उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार बड़े दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और तकरीबन मेरे ख्याल है कि आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो काफ़ी मसरूफियत थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, और साथ मुल्तान भी गया हुआ था। तो मुल्तान से मैं वापस आ गया हूँ, और तो क्या नाचूंगे? आज का जो सीन है, आज का सीन ये है कि आज हमने जाना है वाह कैंट, क्योंकि वाह स्ट्रीट रेसिंग क्लब वालों का ऑटो शो है, और हमने आज लेके जानी है करोला 82 जो हमारी है पड़ी K70। तो सीन ये कि अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 10:30-11 हो रहे हैं, और जो ऑटो शो स्टार्ट होना है वो तकरीबन 3 बजे स्टार्ट होना है, और हमने रॉयल स्क्वाड जो ग्रुप है उसके साथ जाना है। तो मैं यहाँ से अभी गाड़ी वगैरह धोऊंगा, अभी गाड़ी की तैयारी करते हैं, पहले गाड़ी धोते हैं फिर खुद तैयार होंगे, फिर हम तकरीबन 12 या 1 बजे वर्कशॉप जाएंगे TRS गैराज, वहाँ जाके जो जितने भी सारे मेंबर्स हैं इकट्ठे होंगे, और उधर से फिर हम आगे रवाना होंगे ऑटो शो के लिए। तो मेरे साथ आज शहरी भी जाएगा, बस मैं बाहर जाता हूँ गाड़ी निकालता हूँ, फिर गाड़ी निकाल के उसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद फिर खुद आके तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद फिर इंशाल्लाह आगे अपना सफ़र जारी करते हैं। अच्छा जी, गाड़ी के हालात, तो पहले तो गाड़ी साफ़ थी, ये असल में हल्की सी बारिश हुई है तो उसकी वजह से ये पानी वगैरह आ गया, मिट्टी के जो दाग होते हैं सारे, तो अभी गाड़ी धोनी पड़ेगी सारी, ये देख सकते हैं आप लोग, बाकी सारी चमकी हुई थी, मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले धोई थी और फिर बीच में बारिश आ गई थी, कल फिर मैंने ऑल्टो भी धोई थी, तो इसको मैंने कहा कि जिस दिन जाना होगा उसी दिन धो लूँगा, कल धोनी ये भी थी लेकिन कल नहीं धो पाया था, तो आज मैंने कहा धो लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह गाड़ी फ्रेश होगी। बस अभी भाई आते हैं, भाई गाड़ी निकाल रहे हैं ये वाली, और इसको हम लेके जाएंगे आगे, ये सलमान भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, चलें भाई निकालें गाड़ी। हाँ वो मैंने उतार दिया ना, किटी उतार दी उसकी, रिमोट काम ही नहीं कर रहा था, बस भाई गाड़ी निकालते हैं उसके बाद आगे आपसे मुलाकात होती है। लोकेशन लगा दी है और सलमान भाई निकला है, और ये था शहरी जिसको आप लोग नहीं जानते, ये जी शहरी मेरी पुरानी वीडियोस में आ चुका है जब मैं मुल्तान गया था रिबोन की मॉडिफिकेशंस के हिसाब से। चलो वीडियो बाद है ना, पहले चल वीडियो और अभी चुप, बिल्कुल चुप। ये जी हमारा नया सर्विस स्टेशन बना है, बेहतरीन ट्रक श्रक वॉश होते हैं यहाँ पे। चल झूठा। बस अभी हम मोटे छोटे चलाते हैं और धुलाई का काम शुरू करते हैं। ये जी गाड़ी साफ़ हो चुकी है, बस अब इसको सुखाना है, और सुखाने के बाद बाकी इसकी जो अंदर से लश वश वगैरह करनी है वो थोड़ी बहुत करके उसके बाद फिर हम खुद तैयारी करते हैं। इसको सुखाने के बाद फिर इसको यहाँ से निकालते हैं बाहर, घर लेके जाते हैं। ये देखिए जी गाड़ी साफ़ सुथरी हो चुकी है, और मैं आपको अभी अपने हालात, गाड़ी साफ़ होगी देखिए, मेरे हालत देखें, पसीने से भरा हूँ, बालों का बेड़ा गर्क हुआ है, बस अभी गाड़ी की सर्विस की है, अब अपनी सर्विस करते हैं, अपनी सर्विस करने के बाद फिर हम निकलते हैं सीधा वाकेंड की तरफ, और वहाँ जाके फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। जी फाइनली गाड़ी की सर्विस के बाद हमने भी अपनी सर्विस कर ली है, क्योंकि गर्मी बहुत थी, ऊपर से शहरी ने भी अपनी सर्विस कर ली है। शहरी भाईजान फुल वॉश, फुल वॉश। अच्छा जी अभी हम निकलने लगे हैं, यहाँ से भी हम निकलते हैं और जाएंगे सीधा TRS गैराज पे, तो वहाँ पर जब सारे बॉयज इकट्ठे होंगे उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे वाकेंड के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बस अब
वहाँ निकलते हैं आप। हम लोग फ्रेश 234 रुपए की है, 200 कितने के 49 रुपए लीटर पेट्रोल है, उसकी बचत करते हुए जा रहे हैं। एक लीटर पेट्रोल हमने पूरा बचा लिया है और काफ़ी देर से हम गाड़ी बंद करके आ रहे हैं और मरगला की पहाड़ियाँ जहाँ पे थी वहाँ से हमने गाड़ी बंद की है और हम टेक्सा तक पहुँच गए TRS गैराज की तरफ। इधर तक हम बगैर गाड़ी स्टार्ट किए पहुँच गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर जी। TRS गैराज के मनाजिर हैं और अभी सारे लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैंने तो अपनी गाड़ी के ऊपर ये चादर डाली है, गर्मी बहुत है तबाही की। अभी ये थोड़ी बहुत गाड़ियाँ ही और मज़ीद आनी है, अभी आगे जाएंगे शो पे, कुछ लोग डायरेक्ट शो पे पहुँचेंगे। और अहमद की गाड़ी खड़ी है 82, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था कल, तो अभी उसका काम हो रहा है, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तैयार हो रही है गाड़ी और बाकी वहाँ जाके फिर आपको आगे के मनाज़र दिखाता हूँ। ये जी ये भी गाड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं सारी, जिस जिसने ऑटो शो पे जाना है। ये हमारी गाड़ी है और ये सैफ भाई की गाड़ी भी आ गई है, मर्सिडीज़ वो अहमद की गाड़ी है और इसका कल एक्सीडेंट भी हो गया था। अहमद साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। # J2JZ। अहमद जी क्या किया है, क्या किया है इसके साथ? नज़र लग गई है, रिम लगाई है, नज़र लग गई है। अभी तो बेहतर हो गई है, अभी बेहतर हो गई है काफ़ी। बस अभी ईद भी आ गई, आज शो भी था, हमने कहा ईद के बाद उसको सही करके तैयार करेंगे। अभी तो टोटल करें एक दिन में अब जितना हो सका था किया। बारह लोग बड़ी फिट निकल आई थी इसके रिमो के साथ, नज़र लगी है, बस नज़र लग गई है। अल्लाह खैर करेगा दोबारा तैयार हो जाएगी इसका। अभी लोग मज़ार आ रही है अभी इसके अंदर, अभी हम DRL लगाएंगे, उसको कलर वगैरह करेंगे, ज़रा उसको फिट हो जाएगी, तैयारी लुक निकालेंगे, इसकी लाइटें वगैरह लगानी है बंपर की। यहाँ से लुक देखें इसकी, ये K70 गैंग खड़ा हुआ है। अब इसमें एक K70 कम है, वो भी शायद थोड़ी देर तक आ जाए। वो उस्मान भी खड़ी हुई है, ये अहमद की है और ये मेरी खड़ी है। जी हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त शो पे और यहाँ पे गाड़ियों का शो चल रहा है, ऑटो शो, और गर्मी शदीद किस्म की, अभी शाम हुई, हल्की हल्की हवा है, तो आगे आपको अभी गाड़ियाँ दिखाता हूँ मैं। I saw this one in the
जो ना दिन देखते हैं रात यहाँ पर एक सबसे यंगस्टर राजा अहमद मौजूद हैं जिनकी गाड़ी दो दिन पहले लगी है लेकिन 48 घंटे उन्होंने पूरे लगाकर इस इवेंट के लिए स्पेशल तैयारी की है। इस इवेंट के लिए मैं सबसे पहले राजा अहमद जो था रॉयल स्क्वाड है सिर्फ अकेले पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पे आए फिर उसके बाद उनके स्क्वाड के मेंबर्स को बुलाऊंगा। सबसे पहले राजा अहमद जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी कैसा लगा जी आज का शो? गाड़ी आपने दिल तो बड़ा टूटा हुआ था आपकी गाड़ी थोड़ा सा डाउन थी तो कैसा लगा इस आज के इवेंट पे आके? बहुत अच्छा इवेंट था, अच्छा मैनेज हुआ हुआ था, बिल्कुल प्रॉपर हमें पार्किंग मिली है, सब कुछ मिला है, किसी ने कोई तंग नहीं किया, एंट्री भी हमारी इजीली हो गई थी। पास तो नहीं लिया, टिकट तो नहीं लिया? इसके बाद मैं इधर ही खड़े रहे। आप द रॉयल स्क्वाड से रजा शाह, एहसन मंजूर, सनी बाबा और सलाल भाई, आप सब चारों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आ रहे जोरदार खिलाड़ियां क्लैपिंग करें रॉयल स्क्वाड के लिए। रजा भाई आपको भी वही बात है, आप मुझे नंबर ऑफ पर्सन बता दीजिएगा, आपकी शील्ड्स आपको मिल जाएंगी, गाड़ी जो लॉक है तो कितने आपको कैसा लगा शो के हवाले से बताइएगा। और थैंक यू सो मच वन अगेन जो आप लोग हमारे एक एक कॉल मैसेज पे आ जाते हैं। शो हमारे होम ग्राउंड का था ये तो काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट हुई है और आते हुए हमें कोई मसला नहीं हुआ इधर, तो ये तो हमारे अपने शहर का शो है, ये हम किधर छोड़ सकते हैं। और आप भाई हो, जिस तरह भाई ने कहा कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम ऑर्डिनेंस क्लब और पाकिस्तान पीओ ऑफ सिक्योरिटी वालों की जोरदार इनका भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है, तो जो हमारे इदारे सिक्योरिटी इदारे इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग करें। थैंक यू सो मच रजा भाई, इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होती है जल्द इंशाल्लाह। 5 मिनट बैठे हैं बस, इवेंट शुरू हो रहा है टीनाइट। जी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, शो एंड हो चुका है, सबको जो शील्ड्स मिलनी थी वो अनाउंस हुई है लेकिन मिली नहीं है, वो कहते हैं कि जी हमसे कोई
गाड़ी में पड़ी थी और गाड़ी की चाबी मिसप्लेस हो गई है कहीं पे, तो वो सबके एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगी, सबके नाम लिख लिए। तो बस अभी ये देख सकते हैं आप लोग, गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो हम भी अब निकल रहे हैं यहाँ से। और जो 3 लाख की बात हुई थी चेक की, वो ये जीप जीती है और गाड़ी हमारी पहले बाहर लग चुकी थी, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस क्लब है BOF का, तो यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं। तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं, मैंने गाड़ी यहाँ पे लगा दी थी पहले, सब आए हुए यार। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।